हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो आपको बताना चाहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आज के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है दोस्तों बहुकला प्रणाली अर्थात पॉलीफेज सिस्टम। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सभी जो जितने भी चैप्टर्स थे मैंने कंप्लीट करा है। डिस्क्रिप्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने जो भी आपके पेपर्स में 2 नंबर के क्वेश्चन आते उसको हमने अलग कंप्लीट करा है, जो 5 नंबर के थे उसको हमने अलग कंप्लीट करा है। मतलब सभी को हमने डिटेल्स किया कि ये कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। मैंने बेसिक में सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लगा दिया है। अब देखिए, आज मैं पॉलीफेज सिस्टम की बात करूंगा। इसमें 2 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके पेपर्स में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए, एक इसमें आपको पूछा जाता है दोस्तों पॉलीफेज सिस्टम में कि आप बताइए इसमें 2 प्रकार के, जैसे पॉलीफेज सिस्टम होता है इसमें 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक डेल्टा एक स्टार। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि डेल्टा कनेक्शन का डिटेल्स में बताइए कि सब पॉइंट, मतलब आपको उसमें पावर कितना होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, इसका आपका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ये सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर इंट्रो के माध्यम से इसका पॉलीफेज होता क्या है पूरा पॉइंट्स क्लियर करने वाला। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है पॉलीफेज सिस्टम। कहते हैं कि इस सिस्टम में 3 या 3 से अधिक फेज होते हैं। देखिए, आपको ये हो सकता है यही पता हो कि दोस्तों पॉलीफेज सिस्टम मतलब 3 फेज की सप्लाई को ही पॉलीफेज कहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि 3 से अधिक जितने भी फेज होते हैं वो आपके पॉलीफेज के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके घर में जो सप्लाई आती है, आपके कस्बे में या फिर आपके गांव में जो आपकी सप्लाई आती है, वो आपकी कितनी आती है, 3 फेज की सप्लाई आती है। तो आप ये मत समझिए कि पॉलीफेज केवल 3 फेज तक होता है, ये 3 से अधिक फेज तक होते हैं। अर्थात अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मरकरी दृष्टिकारी अर्थात आपका जो होता है दोस्त मरकरी रेक्टिफायर, उसमें 6 से 12 फेज तक यूज किए जाते हैं। अर्थात उसमें 6 से 12 फेज तक की सप्लाई यूज किए जाते हैं। और आपको बता चाहेंगे जैसे रोटेटरी कन्वर्टर होते हैं, ठीक है, घूर्णक जो कन्वर्टर होते हैं उनमें क्या होता है 6 फेज का यूज किया जाता है। जो मरकरी रेक्टिफायर है उसमें 6 से 12 फेज के बीच यूज किए जाते हैं, और जो आपका रोटेटरी कन्वर्टर है उसमें आपके लगभग 6 फेज का यूज किया जाता है। मैंने इसको एग्जांपल के तौर पर इसलिए लिया कि आप सभी को हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो कि जो आपका जो पॉलीफेज होता है वो आपके 3 फेज सप्लाई तक होता है। तो ये आप कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करिएगा, 3 फेज से ज़्यादा भी होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 3 फेज को इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं क्योंकि इसका आज के आधुनिक युग में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। 3 फेज में सभी सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होता है, अर्थात जितने भी मटेरियल आपके कम अर्थात बने हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सभी यूज किए जाते हैं, 3 सप्लाई पर आपके यूज हो जाते हैं। तो देखिए, 3 फेज की बात करें तो अब आपको पता होना चाहिए 3 फेज सप्लाई का या कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा कहाँ सिस्टम बनेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ 3 फेज EMF अर्थात जो आपका EMF होगा 3 फेज सप्लाई के लिए क्या होगा। तो देखिए, 3 फेज का मतलब दोस्तों यहाँ पर 1 फेज को R, एक दूसरे को, एक फेज आपका R होगा, एक आपका Y होगा और दूसरा तीसरा आपका B होगा। R का मतलब रेड है, Y का मतलब येलो है और लास्ट आपका B का मतलब ब्लू है। तो ब्लू का मतलब दोस्त यहाँ पर ये रेड येलो ब्लू दर्शाया जा रही है। वायर जो आपको घर में होती है, जैसा आपने देखा होगा रेड येलो ब्लू का मतलब है कि आपके घर में इससे पता चलता है कि ये वायर रेड कलर का है, मतलब इससे थोड़ा डिफरेंट अलग पता चलता है, बात इतनी सी है, ठीक है। तो वायर जब अलग अलग यूज हो जाते हैं तो आप उसमें थोड़ा डिफरेंट अंतर पता कर लेते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए जो वायर होता है ये रंग के लिए रेड येलो ब्लू बोला जाता है, ठीक है। आप वायरिंग अपने घर में देखेंगे तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग कलर की मिलेगी। तो देखिए दोस्त, यहां पर आप देखेंगे इस ग्राफ में, समझिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको रेड को दर्शा रहा है। अर्थात यहां पर इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, इसके बाद अगर आप इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका देखेंगे तो ये वाला एक ग्राफ देखिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक ये ग्राफ देखिए, मतलब यहाँ पर तीन आपको यहाँ पर वेव आपकी 3 वेव जा रही है। तो पहला आपको ये जा रहा है और दूसरा आपको यहाँ से आ रहा है। तो ऐसा क्यों है आपका ऊपर नीचे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका दोस्तों ये जो पॉलीफेज सिस्टम होता है इसमें जो 3 फेज सप्लाई होती है इनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 60 का होता है। कितना होता है, 60 का अंतर होता है, 120 का अंतर होता है। मैं आपको फिगर भी अभी आपको दर्शा देता हूँ, देखिए ये फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो आपका होता है 120 का अंतर होता है, ये 120 120, अर्थात जो तीनों आपके होंगे आर बी वाई, इनके बीच जो आपका ईएमएफ के बीच अंतर होगा वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अंतर दर्शाया जाता है। देखिए, मैं आपको अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दर्शाएगी यहाँ से गया दोस्त, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट्स, तो ये आपका यहाँ दर्शाएगी तो 100 आप देखेंगे 240 और
यहाँ पर 60, तो ये कितना पीछे जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये 240 डिग्री है, 240, और ये वाला जो नीचे से आपका आ रहा है ये 120 डिग्री पीछे है, ये 120 डिग्री पीछे है, ये 240 डिग्री पीछे है, और ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका इस सबसे आगे आर है, फिर उसके बाद आपका कौन है दोस्त, उसके बाद आपका कौन सा आता है, फिर आपका यहाँ पर आता है वाई, और फिर आता है आपका बी, सबसे आगे आर, फिर वाई, फिर बी। अब देखिए यहाँ पर जो ईएमएफ लिखेंगे उसमें फार्मूले से ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। देखिए फार्मूला होता है ई आर इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला आपका फेज का होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा दोस्त, रेड में किसी प्रकार का एंगल में डिफरेंट यहाँ पर नहीं दिखाया गया डिफरेंस, इसमें सिंपल फार्मूला है ई आर इक्वल टू ई एम, आपको हमने ऑलरेडी ये फार्मूला बता रखा है कि जो आपका इंटेंटेनियस ई एम एफ होता है ई आर इक्वल टू आपका होता है ई एम साइन ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ पर ये पहली ई आर का मतलब ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं इसकी, ये इसको दर्शाया गया है, ठीक है। वैसे भी साइन का आपको पता है इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन अगर आप इसके इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इस रेखा की बात करेंगे, ये जो नीचे से जा रहा है ये क्या है, 120 डिग्री यहाँ पर पीछे हो रहा है, अर्थात 120 डिग्री पीछे का मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये 100 माइनस 120 पीछे कर देंगे, अर्थात जो ई एम एफ का मान आएगा उसका फेज आपका 120 पीछे है, अर्थात ई वाई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो इसके ई एम एफ का मान जो वाई का है आर से कितना भी 120 डिग्री पीछे है, और ठीक उसी प्रकार आप ईबी का देखेंगे अर्थात ब्लू वाले को देखेंगे तो ईएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री है, अर्थात ये आपका, अब देखिए ईआर तो आपका एक फिक्स हुआ कि वो आपका अपनी ही स्थान पर है, लेकिन जो ईवाई होगा वो आपके फर्स्ट अर्थात ईआर के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री पीछे है, और ये वाला आपका ईबी इस पहले वाले के रेस्पेक्ट में 240 डिग्री डिफरेंट है। तो आप ये देख रहे हैं दोस्त कि ये आपका जीरो पर है और ये 120 है, तो इसके बीच कितने का अंतर हुआ 120, ये 120 है ये 240, इसके बीच कितने का अंतर हुआ 120। तो आपसे इससे कंफर्म हो गया कि आपका और इसके अर्थात आर और बी और वाई के बीच जो ईएमएफ में डिफरेंट होता है फेज का वो कितना होता है 120 डिग्री। तो सदैव ध्यान रखना है कि जो पॉलीफेज सिस्टम होता है उसमें जो डिफरेंट होता है वो कितने का होता है 120 डिग्री का होता है। और दोस्त अगर आपको एंगल ही निकालना है तो एक फार्मूला होता है कि 360 अपान फेजों की संख्या, अगर आपको दो फेजों के बीच आपको या ईएमएफ या निकालना है तो ये आप निकाल सकते हैं 360 अपान फेजों की संख्या, कितने फेज हैं टोटल 3 फेज हैं, तो 360 अपान 3 करेंगे तो 36 कितना आया 120। तो सिंपली इससे भी आपको पता कर सकते हैं कितने भी फेज का आप निकाल सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि आपका 360 अपान फेजों की संख्या हम मान लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका कन्वर्टर होता है रोटरी कन्वर्टर उसमें 6 फेज का यूज किया जाता है, तो 360 अपान 6 कर देंगे तो 6×6 36 अर्थात 60 आ जाएगा, अर्थात उसमें दो फेजों के बीच कितने का अंतर होगा 60 का अंतर होगा। इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफर्म हो गया 120 डिग्री, और ये आपको ईएमएफ का फार्मूला भी ये पता हो गया आर ई आर ई वाई और ई बी के लिए कितना होता है, ये चीज आपको यहां पर पता चला। अब चलते हैं दोस्त थ्री फेज सिस्टम जो कनेक्शन होता है इसमें कुछ आपको हम बताते हैं। तो थ्री फेज सिस्टम एसी मोटर हो या अल्टरनेटर हो इसके अंदर जो कनेक्शन होता है ये टू टाइप्स का होता है, अर्थात एसी मोटर या फिर एसी आपका जो अल्टरनेटर होगा उसमें दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, दो प्रकार के मेथड से कनेक्शन होते हैं, एक आपका स्टार कनेक्शन एक डेल्टा कनेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो यहां पर समझिए, पहले स्टार कनेक्शन देखते हैं। तो कहते हैं कि इस संयोजन में तीन फेज क्वाइल से एक जैसे सिरों अर्थात आरंभ और अंत के सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इनका कहने का मतलब आप यहां पर फिगर को समझिए। फिगर देखिए आपको इस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। फिगर में दोस्त ये आपका ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक कॉइल ये है, एक दूसरा कॉइल, ये तीसरा कॉइल, इसमें किया क्या गया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर और यहाँ पर एक न्यूट्रल भी होता है। आप ध्यान से समझिएगा, जो आपका स्टार कनेक्शन होता है इसमें आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। आगे मैं डेल्टा कनेक्शन भी बताने वाला हूँ। तो इसमें यही कहता है कि संयोजन में तीन फेज कॉइल को एक जैसे सिरों अर्थात आरंभ या अंत के सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, अर्थात यहां पर आप देखेंगे R N जो आपका R B Y, पहले आप देखिए R ऊपर हो गया, ये B और Y है, इन सभी पॉइंट्स को क्या किया गया, इन सभी पॉइंट्स को इस पॉइंट पर यहां पर क्या किया गया, सभी को जोड़ दिया गया। आप इस पॉइंट को भी देख लीजिए, यहां पर इस पॉइंट मतलब न्यूट्रल है, और R B Y जितने भी तीनों फेज हैं इनको और न्यूट्रल को तीनों को एक पॉइंट पर, चारों को एक पॉइंट पर यहां पर कनेक्ट कर दिया गया। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि तीनों अर्थात तीनों फेजों अर्थात और या फिर कहें न्यूट्रल सहित सभी पॉइंट्स को एक बिंदु पर, एंड पॉइंट्स को एक बिंदु पर संयोजित या पॉइंट पर इंडिकेट या फिर जोड़ देते हैं, तो वो आपका जो कनेक्शन होता है वो आपको क्या होता है, वहां पर आपका आ जाता है दोस्त क्या,
स्टार कनेक्शन, क्या होता है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन आपको इस प्रकार यहां पर दिखेगा, जैसा आप देख सकते हैं स्टार कनेक्शन का ये होगा और डेल्टा कनेक्शन का चिन्ह ये होता है। अब समझिए यहां पर ये चीजें क्या दर्शाई गई, ये भी चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वाइल आपकी ये फर्स्ट वाली है, ये आर वाली, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई आर होगी। इसको आपकी जो आपकी आर वाली रेड वाली है, तो उसमें करंट क्या फ्लो होगी उसको डिनोट करेंगे आई आर से। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपकी बी वाली आपकी फेज है, इसलिए इसमें आई बी से डिनोट करेंगे। ये आपका कौन सा लाइन, ये आपका लाइन वोल्टेज जो आप देख रहे हैं, ये आपका आई वाई है। क्या है? आई वाई। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल में किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। अब बात यहां पर दोस्त ये आती है कि आपको फेज भी समझना जरूरी है कि फेज क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां पर, ये क्या है रेड और न्यूट्रल के बीच क्या है यहां पर फेज का। देखिए जो आपका फेज देखा जाएगा कि फेज डिफरेंस किसके बीच है, तो सदैव ध्यान रखिए ये न्यूट्रल और आपका सभी फेज के बीच देखा जाएगा। किसी भी फेज के बीच डिफरेंस देखना है तो आप एक न्यूट्रल को लेंगे और जिसके बीच फेज देखना है उसके बीच। तो आप देखेंगे इसमें क्या है कि सभी को न्यूट्रल से ही जोड़ा जा रहा है, अर्थात यहां पर से आप वाई देखेंगे तो वी वी जो आपको यहां पर दर्शाया जा रहा है, यहां पर ये वी वी को दर्शाया, जो वी आपका यहां पर जो दर्शाया गया वी वाई होगा ये, तो ये वी वाई को न्यूट्रल से दर्शाया गया है। और ठीक उसी प्रकार वी बी को जो है ये फेज को और न्यूट्रल के बीच वी बी को दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार यहां पे वी आर और न्यूट्रल, हमारे कहने का मतलब इतना है कि जो आप फेज डिफरेंस देखेंगे वो न्यूट्रल से ही आपको देखना है। ठीक है, ये चीज आपका फेज हुआ। तो यहां पर ये चीज समझना था, फेज और यहां पर आपको ये करंट, दो चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए यहां पर ये भी दर्शाया गया कि सभी कॉइल्स 120 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। यहां पर इसमें कहा गया दोस्त कि ये तीन फेज फोर वायर सिस्टम है, अर्थात फोर वायर क्यों कहा गया, फोर वायर का मतलब दोस्त इसमें एक न्यूट्रल भी आ गया, तो एक में तीन फेज हो गया और चौथा आपका एक वायर और यूज हुआ न्यूट्रल, इसलिए इसे कहते हैं तीन फेज फोर वायर। इसलिए आपका क्या हुआ, तीन फेज फोर वायर एक सिस्टम है। यदि परिपथ का वैद्युत भार बैलेंस्ड सिमेट्रिक हो तो न्यूट्रल पॉइंट पर धारा का मान शून्य होगा, अर्थात ये अगर बैलेंस कंडीशन में है, संतुलित अवस्था में है, संतुलित सममित अवस्था में है, तो उस कंडीशन में जो आपका न्यूट्रल होगा जो एन है उसमें किसी भी प्रकार की करंट नहीं फ्लो होगी। उस कंडीशन में जो आपका फार्मूला आता है आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, अर्थात जो आपके रेड की करंट होगी प्लस येलो वाले और आपके ब्लू के जितने भी वायर्स की जो आपके फेज की करंट होगी वो टोटल किसके बराबर होगी, जीरो के होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं कि निम्न वोल्टता पर जैसे आपको लाइट हो गया, फैन हो गया का लोड एक फेज और न्यूट्रल तार के बीच लगाया जाता है। देखिए दोस्त, इसलिए लगाया जाता है कि निम्न वोल्टता होने पर अगर आपका यहां पर वोल्टेज बढ़ता है तो आपका न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है, जिससे भी सभी फैंस और सर्किट आपके बच जाते हैं। तो इसीलिए निम्न वोल्टता पर आपको एक न्यूट्रल को और एक फेज पर रखा जाता है जितने भी लाइट और फैंस होते हैं। तो बात यहां पर आपको कंफर्म हुई कि आपका ये क्या है, ये आपका दोस्त हो गया स्टार कनेक्शन। सभी को एक पॉइंट्स पर इंडिकेट किया जाता है और सभी इस प्रकार, और इसमें न्यूट्रल होता है लेकिन डेल्टा में आपका न्यूट्रल नहीं होता। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इस कनेक्शन में एक फेज कुंडलन का प्रारंभिक सिरा दूसरे फेज कुंडलन के अंतिम सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो सर्किट प्राप्त होता है उसे कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब ध्यान से समझिए इसको, देखिए यहां पर क्या किया गया, दो सभी को यहां पर जोड़ दिया गया और सभी से पॉइंट्स निकाला गया। इनका कहने का मतलब क्या था, इन्होंने कहा कि इस फेज में एक फेज कुंडलन का प्रारंभिक सिरा दूसरे फेज कनेक्शन दूसरे फेज कुंडलन के अंतिम सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो सर्किट प्राप्त होता है उसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अर्थात यहां पर क्या किया गया, ये आपका देखिए एक कॉइल ये है, तो इसका एक सिरा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया गया और फिर इसका एक सिरा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया गया। मतलब सभी का एक दूसरा का सिरा आप जोड़ देते हैं और ये जो आपका देखिए ये डेल्टा के फॉर्म में आपका बन ही रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे ही तो दोस्त होता है डेल्टा। तो सिंपली यहां पर आपको क्या करना है, तीन कॉइल को डेल्टा में जोड़ना है और तीनों आर बी वाई को बाहर निकालना है। आप एक चीज यहां पर नहीं देख रहे हैं दोस्त, यहां पर न्यूट्रल आपको नहीं दिख रहा है, तो डेल्टा में किसी प्रकार के न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आप देखेंगे करंट पे यहां पर सभी पॉइंट को इंडिकेट किया गया है। यहां पर आप देखिए ये चीज समझिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए इसमें जो आपकी करंट फ्लो हो रही है आपकी क्या है, आई बी करंट फ्लो हो रही है और यहां पे आपकी आई वाई करंट है, अर्थात जो कॉइल दर्शाई गई है ये आपकी क्या है, ये वाई वाली कॉइल है, तो इसलिए इसमें आई वाई करंट फ्लो हो रही है। और यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपकी जो डेल्टा कनेक्शन है उसी में आपको देखना है, ये इसमें आई आर करंट और इसमें आई बी करंट। अब देखिए यहां पर जो आपकी बाहर जा रही है वो आई आर माइनस आई बी है, ये क्यों, चूंकि दोस्त यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर आपकी करंट इधर
से आपकी जा रही है और इधर से आ रही है, तो आईबी करंट जब इधर से आ रही है और आईआर जा रही है तो टोटल इधर करंट कितनी जाएगी दोस्त, इधर आपकी आईआर में से जब आईबी को आप माइनस करेंगे जो इधर करंट जाएगी वही आपकी आईआर माइनस आईबी होगी, अर्थात एक करंट आपकी आ रही है और एक करंट इधर जा रही है तो दोनों का माइनस इधर जो होगा वो आर की तरफ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे इधर लिखा है आई वाई माइनस आईबी, तो इधर जो करंट आपकी जा रही है वो जा रही है आई वाई माइनस आईबी। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्त इसलिए कि इधर से आपकी आई वाई करंट जा रही है और इधर से आई आर जा रही है, ठीक है। तो इधर आई वाई को जब आप माइनस करेंगे आई आर से तो जितनी करंट इधर फ्लो होगी वही आपकी यहां पर प्राप्त होगी, कुल मिलाकर यहां पर जो आपका माइनस होता है। और ठीक उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे आई बी माइनस आई वाई किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि दोस्त आप इधर देखेंगे ये आई वाई करंट आ रही और इधर आई बी करंट आ रही, तो इधर कितनी करंट आएगी? इधर जब आप आई बी में से जो ये करंट आ रही है आई बी में से आई वाई को माइनस कर देंगे तो जो बचेगी इधर आएगी, अर्थात मेरे दोस्त ये जो आपकी करंट आ रही आई वाई, ये पूरी करंट अगर आपकी ये पार्ट ना होता ये पूरी करंट इसमें चली जाती, लेकिन इसमें क्या है कि एक सर्किट आपका इधर लग गया तो इधर कितनी करंट आएगी? उधर उतनी करंट आएगी, अर्थात जब आप आई वे आई वाई में करंट चली गई जब इस आई वाई करंट को आई बी से माइनस कर देंगे जो बचेगी वही तो इधर आपकी आएगी। तो ठीक उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जितनी करंट आपको कितनी प्राप्त होगा, जो अगर आपकी आई वाई इधर जा रही तो उसको हम माइनस कर देंगे टोटल आई बी में से तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा आई बी माइनस आई वाई। कुल मिलाकर यहां पर आपको किया गया है एक दूसरे करंट को माइनस किया गया है, बात इतना आपको याद रखना है यहां पर आई आर आई बी आई वाई करंट को और यहां पर आई आर बी वाई यहां पर दर्शाया गया है। थ्योरी में आपको ये पार्ट्स आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है और यहां पर सभी एंड पॉइंट जो आपके यहां पर होते हैं एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। और यहां पर अगर वोल्टेज की बात करें तो आप वोल्टेज किससे देखते हैं? वोल्टेज यहां पर अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा तो किससे देखेंगे? तो यहां पर एक दूसरे से ही देखते हैं, अर्थात यहां पर आप ध्यान से देखिए तो आर और वाई के बीच यहां पर वी आर वाई वोल्टेज है और इसी प्रकार यहां पर आर और बी के बीच यहां पर वोल्टेज वी बी आर है और ठीक उसी प्रकार यहां पर वी वाई और बी के बीच वी वाई बी वोल्टेज है। तो मतलब कुल मिलाकर यहां पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यहां पर वोल्टेज देख लिया गया और करंट किस प्रकार दर्शाएगी ये चीज हमने यहां पर इंडिकेट किया। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको हम बताना चाहेंगे वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में तो जय हिंद लिखिएगा, लेकिन एक बात पूरा कंप्लीट सुन लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले आपको मैं डेल्टा कनेक्शन का अलग से सेपरेट वीडियो, क्योंकि जो डेल्टा कनेक्शन है उस पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां तो आपका एक प्रकार का इंट्रो था कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन होता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेल्टा का फेजर डायग्राम कैसे बनता है और उसमें डिटेल्स किया जाएगा कि आपका स्टेप बाय स्टेप फार्मूला कैसे डेरिवेशन किया जाता है, ये सभी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट डेल्टा का अलग और स्टार का अलग वीडियो आपको मिलेगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।